सभी विपक्षी पार्टियां एक हो रही हैं, 24 पार्टियां एक होकर एनडीए का सामना करेंगी यानी अपनी रणनीति बनाएंगी। बेंगलुरु में चर्चा और बैठक का आज दौर जारी है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप बहुत बहुत स्वागत है। दीपक रंजन सपा प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। डॉली शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल आरएलडी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हरीश जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। एक तरफ विपक्ष पूरा एक लामबंद हो गया है, बेंगलुरु में चर्चा है, 24 पार्टियां एक तरफ और एनडीए एक तरफ, कैसे इस कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल को सामने रखकर के चुनाव में नहीं जा रही। जनता जनार्दन का विश्वास और भरोसा और जन सरोकारों की प्रतिबद्धता, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इन सब का जो संकल्प है सबको लेकर के चलती है। और जनता के प्रति जो पार्टी की नीतियां कार्यक्रम है, जो सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियां और कार्यक्रम है जी, उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। और जनता के भरोसे के बदौलत वो चुनाव में जाएगी। विपक्षी दल का जहां तक सवाल है, 19 के पहले भी गठबंधन महागठबंधन तमाम तरह के एक्सरसाइज हो रहे थे और चर्चाएं चल रही थी। अल्टीमेटली क्या रहा था ये आप सबके सामने है जी। और इस बार भी विपक्षी दल के लोग, न तो कोई उनका कार्यक्रम है, न कोई नीति है। लक्ष्य क्या है? केवल बीजेपी को हम कैसे सत्ता से बेदखल करें। जनता का भरोसा जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विपक्षी दल सब एक साथ हो ले, लेकिन उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन इन सब के सामने, इन सब के चेहरे बेनकाब है। वो जानती है कि ममता दीदी का राज कैसे चल रहा पश्चिम बंगाल में, बुरी तरह राजनीतिक हिंसा से कलंकित है पश्चिम बंगाल। आम आदमी पार्टी का हाल आपने देखा कि दिल्ली का क्या हाल हुआ और दिल्ली में क्या हालात हैं। तो ये बहुत सारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का हाल सबके सामने एक जंगल राज रहा। बिहार में जब से लालू जी के साथ नीतीश बाबू आए हैं वहां भी जंगल राज फिर से लौट आया। तो जनता जनार्दन के सामने इन सब के कार्यशैली, इनके राज सबके सामने पूरी तरह से साफ। चलिए, उत्तर प्रदेश की ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में अब एनडीए के पार्ट हो गए हैं, आप लोग भी अपना धीरे धीरे जो है वो स्ट्रेंथ और बढ़ा रहे हैं, और आज दारा सिंह भी शामिल हुए हैं बीजेपी में। मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी और दारा सिंह जी एनडीए के पार्ट थे 17 में, 2017 उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री रहे दोनों लोग, पार्टी छोड़ के गए, बाद में उनको अपनी भूल का एहसास हुआ और फिर अगर एनडीए के पार्ट बने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सच्ची नेतृत्व, हरीश जी पार्टी का भूला शाम को आ गया घर वापस हुआ या रूठों को मनाया गया, बड़ी स्वीकारता कर हरीश जी एक सवाल छोटा सा बस इसका जवाब दीजिए, सुबह का भूला शाम को घर आ गया भाई। हरीश जी क्या भूल का एहसास हुआ या रूठों को मनाया गया, मनाने की कवायद की गई अंदर खाने, ये बताइए। ये तो कोई नहीं कह सकता। ओम प्रकाश राजभर जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से ये इच्छा जाहिर की है भारतीय जनता पार्टी के साथ पुनः आने के लिए, और आए हैं एनडीए के पार्ट पहले भी रहे हैं, आए हैं, स्वागत है। चले ठीक है, चलिए ये इस बात का जरूर। डॉली जी मेरा सवाल आपसे, एक तरफ अब एनडीए का भी कुनबा धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष लामबंद होता जा रहा है, बेंगलुरु में मंथन चल रहा है, क्या कुछ स्ट्रेटजी? देखिए बहुत क्लियर स्ट्रेटजी है। पहली पटना की मीटिंग में ये क्लियर हो गया था कि सभी पार्टियां साथ आएंगी। अगली मीटिंग ये तय हो गई थी, पहले शिमला में होनी थी लेकिन मौसम की वजह से वो अब बेंगलुरु में हो रही है, और वहां देखिए 25-26 पार्टियां सब साथ आ रही हैं, और कल जिस तरीके से मीटिंग शुरू होगी वो भी मीडिया के सामने पता चल जाएगा। पहले आपका पिछली डिबेट में ये सवाल था,
आम आदमी पार्टी के साथ कैसे होगा, कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया है। अब सीधी की सीधी ये साफ बात है कि जनता महंगाई से त्रस्त है, परेशान है। भारतीय जनता पार्टी इस समय अंधी गूंगी बैरी पार्टी हो गई है जब जनता के मुद्दों की बात आती है। हाँ, अभी भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे थे दिल्ली की और बाकी राज्यों की, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ मणिपुर में क्या हाल है, कितने लोगों की मौत हो चुकी है वहां पर, लगातार मणिपुर जल रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, 150 दिनों से ज्यादा हो गया इंटरनेट बंद है, लोग वहां भारत से कट गए हैं, वहां उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही, लग रहा है भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी प्रचार करने मणिपुर जा सकते हैं, लेकिन देश की जनता, जब आज मणिपुर की जनता उन्हें ढूंढ रही है तो प्रधानमंत्री कोसों दूर, किलोमीटरों दूर दिखाई नहीं दे रहे हैं मणिपुर की जनता को कहीं भी। अगर वहां कोई जाता है तो वहां राहुल गांधी जाते हैं उनके दुख दर्द में, उनके आंसू पूछने। तो भारतीय जनता पार्टी का तो सिर्फ एक ही एजेंडा है, सिर्फ चुनाव में लगे रहना, देश की जनता को डिलीवरी के नाम पे। इनके पास 200 रुपए किलो टमाटर है, 300 किलो रुपए धनिया है, इनका सिर्फ यही काम है, दूसरों पर टिप्पणी करो। अरे इनसे ये पूछिए, आज इनको छोटी छोटी पार्टियों को बुलाना पड़ रहा है, कल इन्होंने इन्हीं पार्टियों की जिस तरीके से बेइज्जती कर दरकिनार कर हर पार्टी ने, चाहे अकाली दल रही, पीडीपी रही, टीडीपी रही, कितनी पार्टियां मैं आपको गिना सकती हूँ जो इन्हें छोड़ छोड़ कर चली गई, आज हाथ जोड़ जोड़ कर इन्हें बुलाना पड़ रहा है। ये पता चल रहा है कि ये लोग कितना बौखलाए हुए हैं और इन्हें पता है कि 2024 इनके लिए वैसा नहीं रहने वाला। आज भी ज्यादातर राज्यों में साउथ से तो ये साफ हो गए हैं, साउथ की जनता ने इन्हें सिरे से निकाल दिया। अब ये असर जो है धीरे 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 सभी जगह जा रहा है, मणिपुर भी समझ चुका है, नॉर्थ ईस्ट भी समझ रहा है, और देश का हर हिस्सा। दीपक जी, ठीक है, आपकी बात आगे। दीपक जी, दीपक रंजन जी, मेरा सवाल आपसे कि इस बार जो है सारे विपक्ष की पार्टी एक हो रही है, तो सबकी अपनी अपनी मंशा होगी, सबकी अपने अपने स्ट्रेटजी और अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होंगे। अखिलेश जी और सोचते होंगे, ममता बनर्जी और सोचती होंगी, सोनिया गांधी जी और सोचती होंगी, तो कैसे मेल बैठेगा? क्योंकि देखिए सौरभ भाई, देखिए सौरभ भाई, जितने भी विपक्षी दल, एक अभी आपने देखा होगा 23 जून को जिस तरीके से सारे विपक्षी दल इकट्ठे हुए, और सारे विपक्षी दलों का सिर्फ एक उद्देश्य, भारतीय जनता पार्टी जिसने 9 साल से केंद्र में हिंदुस्तान की जनता को पूरी तरीके से परेशान कर रखा है, चाहे वो महंगाई की दिशा हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे स्वास्थ्य की दिशा हो, चाहे शिक्षा की दिशा, हर दिशा में इन्होंने जो है जिस तरीके से जनता को परेशान कर रखा है। आज जितने भी विपक्षी दल वहां पे इकट्ठे आज हो रहे हैं, और पहले जितने भी विपक्षी दल वहां पे इकट्ठे हुए, ये सारे लोग जनता की आवाज बन करके वहां पर जा रहे हैं। और अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय हरीश श्रीवास्तव जी ने कहा कि विपक्षी दल की सिर्फ एक उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना हराना। अरे बड़े भाई, जब आप ही 9 साल से वहां पर काबिज हो तो आप ही को तो हटाना है, और आप ही को जब हटोगे वहां से 2024 में, उसके बाद ही जनता जो सुकून की सांस लेगी। आज पिछले 9 साल से आपने जिस तरीके से जनता को परेशान किया है सौरभ भाई, तो विपक्षी एकता के साथ साथ आज जनता भी उनकी, जनता की आवाज बन रही विपक्षी एकता, और आज जनता इनको जवाब देने जा रही है। देखिए सौरभ भाई, जो सरकारें बटन दबाने से आती है, तो वही सरकारें बटन दबाने से जाती भी, और आज की तारीख में पीडीए जो है इनका एनडीए पे पूरी तरीके से भारी पड़ा हुआ है, और ये विपक्षी एकता को देख करके ये पूरी तरीके से बौखलाए और घबराए हुए हैं। और रहा सवाल कि जितने भी दल वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, देखिए सौरभ भाई, हर दल का अपना अपना अपने अपने गढ़ में महत्व है, और बड़ी मजबूती के साथ सारे दल जो है भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा और मुकाबला लेते आपको दिख रहे हैं। और इसी से ये लोग अपने से, ये लोग इससे चिंतित नहीं है कि हमने 9 साल में जनता को मैंने क्या दिया, जनता को मैंने किस तरीके से परेशान किया, जनता को ना मैंने स्वास्थ्य में, ना शिक्षा में, ना रोजगार में, ना महंगाई कम करने में, और ना इकोनॉमी कम करने में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ाने में मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन आज की तारीख में ये परेशान इससे है कि विपक्ष कैसे इतना लामबंद होता आ रहा है, एकजुट होता जा रहा है। अभी सुनने में आया शायद कि ओम प्रकाश राजभर जी जो कभी इधर कभी उधर पेंडुलम की तरीके से कभी विपक्षी एकता की बात करते थे, कभी कहीं बात करते, तो अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय हरीश श्रीवास्तव जी ने कहा उन्होंने इच्छा जाहिर की। अरे इच्छा जाहिर उन्होंने की, और ट्वीट कर रहे हैं आपके गृह मंत्री अमित शाह जी मजबूती के साथ, इनके आने के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए हमारा मजबूत होगा। अरे कितना मजबूत होगा वो दिखेगा। और पूर्व में आपने ओम प्रकाश राजभर जी को, आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे आपके सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी ने, खुले मन से गाली देने का काम किया था, और आपके छोटे छोटे से बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने इतना गंदा, इतना गलत सही कहने का काम किया था कि शायद मैं आपके चैनल में बताने लगूं को तो आपको ठीक है, ठीक है। रोहित अग्रवाल जी, जयंत चौधरी भी जा रहे हैं, और तमाम बड़े नेता और विपक्ष के होंगे।
आपकी क्या मंशा है, क्या मानते हैं कि इस बार जो विपक्ष है एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएगी? बिल्कुल रोकेगी, विपक्ष का काम ही यही है भाई। विपक्ष सत्ता में तभी आएगा जब सत्ता में दल है वो सरकार से हटेगा, और जो सत्ता में दल है वो सरकार से तभी हटता है जब वो जनता विरोधी काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस तरीके से जनता का निरादर किया है, जिस तरीके से अपने मन की बात सुनाते रहे और जनता के मन की बात नहीं सुनते हैं, महंगाई से आज आम मध्यम वर्ग कहरा रहा है। आप देखिए आज स्थिति क्या है, आज टमाटर क्या भाव हो गया है, 200 रुपए किलो से ऊपर टमाटर है, धनिया 900 रुपए किलो है, मिर्चा जो फ्री में मिला करता था एक जमाने में वो 250 रुपए किलो है। हरीश जी हमारे बड़े भाई हैं, अभी ये कह रहे थे कि साहब इनके साथ तो बहुत छोटे छोटे दल हैं। अरे आपके साथ भी बहुत छोटे छोटे दल हैं, आपने 2019 का चुनाव लड़ा था वो अकेले नहीं लड़ा था, आप भी कल बैठक करने जा रहे हो अपनी, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दल आपके साथ भी आ रहे हैं। आप जो स्वयं करते हो वो तो आपको लगता है बहुत अच्छा कर रहे हो, दूसरा जो करता है उसके ऊपर आप आरोप लगा देते हो। तो विपक्ष का तो काम ही यही है ना कि जो जनता की समस्याएं है वो सरकार तक पहुंचाना, वो हम पहुंचा रहे हैं, पर ये सरकार सुनना ही नहीं चाहती है भाई। अगर ये खाली समस्या सुन ले, विपक्ष की आवाज सुन ले, तो मुझे लगता है कि ये सत्ता में बने रहे, परंतु ये जिस तरीके से आत्ममुग्धता में मस्त हैं, वो साफ दिखाई पड़ता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता भोग के लिए आए हैं। जिस तरीके से आपने देखा किस तरीके से इन्होंने अपने हर जिले के अंदर 5 स्टार अपने ऑफिसेस बना लिए भारतीय जनता पार्टी के, तो विकास तो सिर्फ भाजपा का हुआ, जनता का तो विकास हुआ नहीं। ये तो सिर्फ मुझे लगता है कि विकास का जो इन्होंने नारा दिया था उसको साकार इन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए किया। हरीश जी आप जवाब दीजिए इसका, इस प्रश्न का, जो कि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ विकास भारतीय जनता पार्टी का हुआ और किसी का विकास हुआ नहीं, विपक्ष के सुनते ही नहीं है। नहीं, रोहित जी को और दीपक जी को और जो आम आदमी पार्टी की सम्माननीय प्रवक्ता है, सभी की का जो सवाल खड़े किया उसका जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार जनता की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम कर रही है। लाखों करोड़ों लोगों को, गरीबों को मकान मिले हैं, उनके घर निशुल्क बिजली पहुंची है और उनको पानी शुद्ध पेयजल मिल रहा है। 5-6 हजार रुपए प्रतिमाह किसानों, करोड़ों किसानों को पूरे देश में मिल रहे हैं सम्मान राशि के रूप में। इस तरह 5 लाख रुपया गरीब परिवार के लोगों को प्रतिवर्ष चिकित्सा के लिए मिल रहा है। तो ये बहुत सारी जो जनता जनार्दन की खुशहाली और समृद्धि के लिए सरकार काम कर रही है। आप बिजली की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत शिकायत आती है, सुनिए। आम आदमी पार्टी के चश्मे में ग्रामीण क्षेत्र छोड़ दीजिए, यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी में बिजली नहीं आ रही है। देखिए रोहित जी, ये है कि वहाँ पर मीटर लगे नहीं है, बिजली बिल आ रहे हैं वो इनको समझ नहीं। नहीं, आप ग्रामीण क्षेत्र में ये बात सही है, बड़ी समस्या है। और जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि किसानों के लिए बिजली फ्री देंगे, पर हर रुपए के ऊपर इन्होंने मीटर लगाने का काम किया, और जिनके पास मीटर नहीं लगे उनके पास बड़े बड़े बिजली के बिल आ रहे हैं। और बिजली की समस्या ये है कि ये कहते थे, विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते थे कि बिजली कम से कम शहरों में तो बिजली आती थी, यहाँ तो स्थिति ये है इनकी सरकार में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में बिजली नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर आदमी गर्मी से कहरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हमने वादा किया था, पॉलिटिक्स आप पर इन लोगों के साथ समस्या यही है, ये मंच समझ के सीधे अपना भाषण देना शुरू कर देते हैं, किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, ना तो ये विपक्ष की बात सुनते हैं, ना ये जनता की बात सुनते हैं, ये अपने मन की बात सुनाते हैं, ये मोनोलॉग में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ये डिबेट में विश्वास ही नहीं रखते हैं, ये विपक्ष के मन की बात सुनना ही नहीं चाहते, यही समस्या है इनकी सबसे बड़ी। ये तो मोनोलॉग शुरू हो जाते हैं, जैसे मंच दे दिया गया हो इनको और वहां से इन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप सबसे मैं ना फाइनल कमेंट लूंगा, ठीक है, सबसे थोड़ा थोड़ा वक्त दूंगा क्योंकि फाइनल कमेंट का वक्त हो गया है। डॉली जी आपसे फाइनल कमेंट, क्या कुछ आपकी स्ट्रेटजी है, जो मैंने सवाल एक पूछा था, क्या कुछ नया लेकर आप आ रहे हैं, क्या ऐसा आप करें जनता कांग्रेस से कनेक्ट हो और कांग्रेस से जुड़े, वोट करें? क्लियर कट साफ बात है इनकी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में कि कांग्रेस पार्टी जनता की बात करती है, ये उद्योगपतियों की बात करते हैं, ये हवाई जहाज में उद्योगपतियों के साथ बैठते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी सड़क पर किसानों के साथ बैठते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के साथ चलते हैं। यही कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी है कि हमेशा जनता के लिए काम किया है, आगे भी जनता के लिए काम करेंगे और इस बार आने वाले 2024 में ये जुमलेबाज
ठीक है डॉली जी, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे, इस आप कह रही हैं राहुल गांधी का आप जब जिक्र कर रही हैं, राहुल गांधी कभी बुलेट बनाने लगते हैं, बाइक बनाने लग रहे हैं, कभी हरियाणा में चले जाते हैं, किसानों के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, और दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राहुल जी थोड़ा देर से आए, पहले से अगर किसानों का दर्द समझते तो किसान आपको ज्यादा तरीके से समझते जब हरियाणा में गए थे। डॉली जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चलिए दीपक जी फाइनल कमेंट आपसे मैं चाहूंगा कि क्या ऐसा कुछ किया जाए कि जनता आपसे कनेक्ट हो, समाजवादी पार्टी से ऐसा क्या आप कर रहे हैं, क्या ऐसा करेंगे जिससे जनता आपसे कनेक्ट हो और वोट करे। देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने किए हुए विकास कामों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। आज हम स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की दिशा में और महंगाई की दिशा में जो आज हमारा उत्तर प्रदेश आज बहुत पिछड़ गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हम उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहा हूँ। और एक चीज मैं बड़े साफगोई से कहना चाहता हूँ सौरभ भाई, कि सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के द्वारा तैयार किए पिच पे खेलना चाहते हैं, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि एनडीए की हर एक गेंद पर पीडीए बाउंड्री से बाहर जो है गेंद करने के तैयार बैठी, जितनी गेंद आप डालोगे उतनी गेंद हम बाउंड्री के बाहर फेंकने का काम करेंगे। और आज जनता बड़ी आज बड़ी आस और उम्मीद भरी निगाह से विपक्ष की तरफ देख रही है, और विपक्ष जो है जनता की आवाज बन करके जितने भी लोग आज वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं सभी लोग जनता का आशीर्वाद लेकर के, चलो जनता का आशीर्वाद मिलेगा जनता सब जानती है। हरीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉली शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित अग्रवाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जयंत चौधरी का क्या कुछ कहना है इस बैठक को लेकर, चलिए आपको पहले शुरुआत देते हैं। ये मत सोचिए कि जो जो यहाँ बैठक में है उससे बाहर लोगों से संपर्क या उनके साथ कोशिशें आगे नहीं होंगी या कोई दरवाजे बंद हो गए हैं, दरवाजे हमारे खुले हैं। सैद्धांतिक रूप से हमारे मुद्दों पे जो भी मेल रखते हैं, जो संगठन हैं, जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वे साथ आएंगे। तो सभी विपक्षी पार्टियां एक तरफ लामबंद हो रही हैं बेंगलुरु में, अब देखना यह होगा कि स्ट्रेटेजी कैसे बनती है। सबके अपने अपने मुद्दे, अपने अपनी बात है, देखना यह है कि कैसे सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ क्लब होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। क्या इस बार विपक्ष का जो मंसूबा है वो सफल होगा या नहीं, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए कि बीजेपी क्या कुछ रणनीति बना कर आ रही है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।